हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या है, ये जो अपडेट है 16 सितंबर 2023 तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ। इसके बाद अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में योगी मंत्रिमंडल से रिलेटेड टॉप 35 MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आपको लास्ट में स्कोर भी जरूर बताना है कि आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है। तो इस वीडियो में योगी मंत्रिमंडल को फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे, तो इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं। लोकेशन आप लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो बृजेश पाठक हैं उप मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं प्रिंतिकर दिवाकर। आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बने हैं प्रिंतिकर दिवाकर, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है ये है 80, राज्यसभा सीट जो है ये है 31 और विधानसभा सीट जो है ये है 403। लोकेशन आप लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश की। और मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं बृजेश पाठक हैं और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है उत्तर प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये कौन कौन बने हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये 2 जो हैं उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनको आप याद रखिए। मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, और अगर बात की जाए उप मुख्यमंत्री तो बृजेश पाठक जी हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। आप इनको दोनों लोगों को याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए ग्राम्य विकास मंत्री कौन हैं? तो ग्राम्य विकास मंत्री जो हैं ये हैं कौन? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा केशव प्रसाद मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य जो हैं ये उप मुख्यमंत्री हैं, इनको जो है ग्राम्य विकास मंत्रालय इनको दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश के नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है बने हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये भी जो है केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को जो है खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्रालय है ये दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उत्तर प्रदेश के नए चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो हैं ये हैं बृजेश पाठक, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, इनको आप याद रखिए। इनको जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, तो आप याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय अलग है और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उत्तर प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं बृजेश पाठक, इनको जो है शिक्षा जो है स्वास्थ्य मंत्रालय इनको दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उत्तर प्रदेश के नए नगर विकास मंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए नगर विकास मंत्री जो बने हैं ये बने हैं अरविंद कुमार शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, उत्तर प्रदेश के नए ऊर्जा विकास मंत्री कौन बने हैं? तो ऊर्जा विकास मंत्री जो हैं ये बने हैं कौन? अरविंद कुमार शर्मा। तो अरविंद कुमार शर्मा को ही जो है ऊर्जा विकास मंत्रालय दिया गया है, तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, उत्तर प्रदेश के नए जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए जल शक्ति मंत्री जो हैं ये हैं कौन? तो ये हैं स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह जो हैं ये हैं उत्तर प्रदेश राज्य के नए जल शक्ति मंत्री, इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश राज्य के नए बाढ़ नियंत्रण मंत्री कौन हैं? तो बाढ़ नियंत्रण मंत्री जो हैं स्वतंत्र देव सिंह हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, उत्तर प्रदेश के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए वित्त मंत्री जो हैं ये बने हैं सुरेश खन्ना, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, उत्तर प्रदेश के नए संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? तो संसदीय कार्य मंत्री जो बने हैं ये बने हैं कौन? तो सुरेश खन्ना। तो सुरेश खन्ना को जो है वित्त मंत्रालय भी दिया गया है और जो है
संसदीय कार्य मंत्री भी इनको दिया गया है। तो पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि वित्त मंत्री कौन बने हैं, तो वित्त मंत्री भी जो हैं ये बने हैं कौन, सुरेश खन्ना जी। अगर बात की जाए संसदीय कार्य मंत्री, तो संसदीय कार्य मंत्री भी जो हैं ये बने हैं कौन, सुरेश खन्ना जी, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, उत्तर प्रदेश के नए कृषि मंत्री कौन हैं, तो नए कृषि मंत्री जो हैं ये हैं सूर्य प्रताप शाही। तो सूर्य प्रताप शाही जी जो हैं ये हैं उत्तर प्रदेश राज्य के नए कृषि मंत्री। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, उत्तर प्रदेश के नए कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री कौन बने हैं, तो उत्तर प्रदेश के नए कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री जो है कौन बने हैं, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हैं सूर्य प्रताप शाही। सूर्य प्रताप शाही जो हैं ये कृषि मंत्री भी हैं और कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री भी हैं। शिक्षा मंत्रालय अलग है और कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय अलग है, तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, उत्तर प्रदेश के नए लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद को जो है लोक निर्माण विभाग मंत्रालय इनको दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, उत्तर प्रदेश के नए महिला कल्याण मंत्री कौन बने हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो महिला कल्याण मंत्री जो बनी है ये बनी है कौन, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य जो हैं ये हैं महिला कल्याण मंत्री, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये है, उत्तर प्रदेश के नए बाल विकास मंत्री कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बाल विकास मंत्री जो हैं ये हैं कौन, बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य को जो है महिला कल्याण मंत्री और बाल विकास मंत्री जो है इनको दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिक विकास मंत्री कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिक विकास मंत्री जो हैं ये हैं कौन, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नंद गोपाल नंदी जो हैं ये हैं कौन, औद्योगिक विकास मंत्रालय के मंत्री, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये है, उत्तर प्रदेश के नए लघु मध्यम और बृहद उद्योग मंत्री कौन हैं, तो लघु मध्यम और बृहद उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा राकेश सचान जो हैं लघु मध्यम बृहद उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, उत्तर प्रदेश के नए ग्रामोद्योग मंत्री कौन हैं, तो ग्रामोद्योग मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश की ये कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा राकेश सचान को ही जो है ग्रामोद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, उत्तर प्रदेश के नए अवकारी और मद्य निषेध मंत्री कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश के अवकारी मद्य निषेध मंत्री कौन हैं, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यह है नितिन अग्रवाल को जो है अवकारी विभाग और मद्य निषेध मंत्रालय इनको दिया गया है, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, उत्तर प्रदेश के नए परिवहन मंत्री कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश के नए परिवहन मंत्री जो हैं ये हैं कौन, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दयाशंकर सिंह को जो है परिवहन मंत्रालय दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, उत्तर प्रदेश के नए समाज कल्याण मंत्री कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश के नए समाज कल्याण मंत्री जो हैं ये हैं कौन, ये हैं असीम अरुण। तो असीम अरुण जी को जो है समाज कल्याण मंत्रालय दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, उत्तर प्रदेश के नए माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो उत्तर प्रदेश की नई जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनी हैं ये बनी हैं कौन, तो यहाँ पे जो है गुलाब देवी को जो है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ये जो है शिक्षा मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, उत्तर प्रदेश के नए प्राविधिक शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो शिक्षा मंत्री अलग है और प्राविधिक शिक्षा मंत्री जो हैं ये अलग हैं, तो यहाँ पे जो है प्राविधिक शिक्षा मंत्री पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आशीष पटेल। तो आशीष पटेल को जो है प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय दिया गया है और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय जो है गुलाब देवी को दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश के नए मत्स्य पालन मंत्री कौन हैं, तो मत्स्य जो मंत्रालय है ये किसको दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हैं संजय निषाद जी को जो है मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, उत्तर प्रदेश के नए बेसिक शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश के नए बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं ये हैं कौन, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा संदीप सिंह को जो है बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है, तो गुलाब देवी
मंत्री हैं, अगर आपको शिक्षा मंत्री पूछे तो गुलाब देवी आप सही करेंगे, और बेसिक शिक्षा मंत्री ये हैं संदीप सिंह, इनको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, उत्तर प्रदेश के नए अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा असीम अरुण जी को बनाया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, उत्तर प्रदेश के नए अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए अल्पसंख्यक मंत्री जो बने हैं ये बने हैं कौन? तो ये बने हैं दानिश आजाद, ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, उत्तर प्रदेश के नए नगरीय रोजगार मंत्री कौन हैं? तो नए नगरीय रोजगार मंत्री जो हैं ये हैं कौन? ये हैं एके शर्मा, एके शर्मा जो है नगरीय रोजगार मंत्री हैं, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन हैं? तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जो हैं ये हैं कौन? तो ये हैं जयबीर सिंह, जयबीर सिंह को जो है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 32 जो है, उत्तर प्रदेश के नए पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए पंचायती राज्य मंत्री जो हैं ये हैं कौन? तो ये हैं ऑप्शन यहाँ पे जो है भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह को जो है पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, उत्तर प्रदेश के नए श्रम मंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए श्रम मंत्री जो हैं ये हैं अनिल राजभर, ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश के नए गन्ना विकास एवं चीनी मंत्रालय किसको दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो गन्ना विकास एवं चीनी मंत्रालय है ये दिया गया है किसको? तो लक्ष्मी नारायण चौधरी, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा। गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री जो हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 इस वीडियो का लास्ट जो है, उत्तर प्रदेश के नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं ये हैं कौन? योगेंद्र उपाध्याय, तो योगेंद्र उपाध्याय जो हैं नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।